हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी धारणाएं पहले से होती हैं और साइंस तो बहुत बच्चा है फिलोसफी के सामने फिलोसफी के लोग तो पता नहीं कहां कहां जाके सोचते हैं दिमाग खराब कर देते हैं एकदम तो। सोच सोच के जैसे ये जो बोर्ड है ये व्हाइट है और मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं ठीक है आर यू श्योर दिस इज योर बिलीफ और दिस इज योर नॉलेज दिस इज योर बिलीफ और दिस इज योर नॉलेज नॉलेज है हाँ सिंपल है डरने की बात ही नहीं तो फिर एक बात और बताइए कि यह जो बॉटल है इसका जो कैप है वो किस कलर की है कौन सी है ये वाला मैं बताऊंगी वो वाला ग्रीन के ये वाला ग्रीन सिंपल बस जो बेसिक कलर है उनमें से हाँ ग्रीन है, है कई लोग उस लेवल पर चले गए थे एक्वा ग्रीन और ये वाला ग्रीन वो वाला ग्रीन है ना वो नहीं बस सिंपल ग्रीन है काफी इतना ही काफी है ग्रीन है मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं बाद में आप ये ना कहें कि धोखा दे दिया आपने। इस बोतल की कैप का कलर कौन सा है जोर से बोल दो एक बार ग्रीन है बहुत बढ़िया हालांकि तेज बोलने से सच नहीं हो जाता है लेकिन तब भी बट बट आई शुड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट स्पीक योर माइंड सो हाउ कैन यू प्रूव दिस इज ग्रीन There is only one kind of evidence because everyone is saying this is green, so this is green. That is the only evidence, nothing else. So, let us assume in this classroom there are 2% people who are colorblind. For them, maybe this is not green, it can be grey, it can be of some other shade, but not green as we are saying it. And because 2% are limited, they are in minority, so they won't be able to speak. Let us assume a different classroom in which 99% people are colorblind and 1% are able to see the colors. And you ask in that classroom, what is the color of the bottle's cap? They'll say, gray, gray. और ग्रीन वाले आपस में देखेंगे भाई <laughs> भाई कैसा लग रहा है लग तो ग्रीन रहा है यार बोलना मत ये खाप वाले मार देंगे एंड देन इट इज प्रूव कैप ऑफ द बॉटल इज ग्रे घास हरी होती है। हम यही सीख के बड़े हुए थे बाद में सीखा तो पता लगा कि एनिमल्स को कलर्स दिखते ही नहीं है तो घास खाने वाले को घास हरी नहीं दिख रही है जिसको नहीं खानी है वो हीरो बन रहा है हरा हरा बोल के उसको तो जिसको घास खानी है एनिमल्स को गाय को काउ को दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कलर्स, फॉर देम एवरीथिंग इज ब्लैक व्हाइट और ग्रे लाइट ग्रे डार्क ग्रे वेरी डार्क ग्रे ब्लैकिश ग्रे वाइटिश ग्रे उनके लिए सिर्फ इतना मामला है नाउ टेल मी वन थिंग इफ द ग्रास इज ग्रीन फॉर अस नॉट इन द प्रोवर्बियल सेंस इन जनरल सेंस इफ द ग्रास इज ग्रीन फॉर अस एंड ग्रास इज ब्लैक और ग्रे फॉर द काउज और एनी एनिमल नाउ देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज वन ग्रास इज ग्रीन बट एनिमल्स आर नॉट एबल टू सी इट एग्जैक्टली टू ग्रास इज ग्रे बट ह्यूम आर नॉट एबल टू सी इट एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है पर क्योंकि फैसला हमें करना है, हमने अपने वाला फाइनल मान लिया गाय बोलती रहेगी नहीं नहीं हरी नहीं होती है चुप हम डिसाइड करेंगे हम ह्यूमन बींग्स है ना हमारे धो है हम जो चाहेंगे वही होगा यू आर वाइट यू डोंट नो बट यू आर व्हाइट तीसरी पॉसिबिलिटी भी है ग्रास इज नाइदर ग्रीन नॉर ग्रे बट ड्यू टू समिस्टोर्शन इन ह्यूमन बींग्स एंड इन एनिमल्स दे आर नॉट एबल टू परसीव द रियल कलर ऑफ ग्रास इसको बोलते दिमाग का दही होना यहां से फिलोसफी शुरू होती है अभी शुरू हुई है आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा दिस इज द बिगनिंग पॉइंट ऑफ फिलोसफी You believe this is white. You don't know this is white. But we believe because most of us are able to see it in white color. So, because we believe, so we tend to have the final judgment that this is white. That's all.